दोस्तों नमस्कार। नोटिफिकेशन आने के बाद उम्मीद है आप अपनी तैयारी में जोरों शोर से लगे होंगे। आपकी तैयारी में कोको आपके साथ हमेशा है और इसी साथ के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका दोस्त एम एम आलम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। दोस्तों पिछले साल का जो पैटर्न है एग्जाम का, उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अगर आप न्यायपालिका टॉपिक को तैयार कर रहे हैं तो ये ज़रूर तैयार कीजिएगा कि कुछ महत्वपूर्ण केसेस आए हैं, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। जैसे केशवानंद भारती केस के समय जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे वो एस एम सीकरी थे। उसी तरीके से इमरजेंसी जब लगा था तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे ए एन रे। इसी तरीके से अगर आप राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की बात करें या फिर ट्रिपल तलाक की बात करें या फिर आरक्षण के मुद्दे पे बात करें तो इस समय जो केसेस आए सर्वोच्च न्यायालय में उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इसी पैटर्न पे आगे बढ़ते चलिए और अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। थैंक यू।